विल डिगिंग लेबर आदमी पानी फाइंडिंग। मार्कापुर नामक एक छोटा गांव था। उस गांव के लोगों की सिर्फ एक ही बड़ी समस्या थी, वो थी पानी की समस्या। गर्मी का मौसम आए तो बस उस गांव के सारे तालाब और नहर सूख जाते थे। वो गांव वाले पानी के जरूरतों के लिए कुआं खोदने के लिए सोचते थे, मगर कोई भी कुआं खोदने आगे नहीं आता था। उनमें से कोई ये बहुत मुश्किल काम है कहता तो और कोई कुआं खोदने के लिए महीने लगेंगे, फिर भी पानी मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं दे सकते, और कोई दूसरा रास्ता है क्या देखेंगे कहता था। उस गांव में रहने वाला रघु नाम का एक व्यक्ति सबके जैसे नहीं था, वो बहुत अलग सोचता था। रघु ज्यादातर अपने मेहनत के भरोसे ही रहता था। रघु का खेत सूखते देख वो अपने मन में पानी चाहिए तो कुआं खोदना पड़ेगा, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता कहकर सोचा। एक बार रघु अपने परिवार वालों से, मैं हमारे खेत में एक कुआं खोदने की सोच रहा हूँ, किसी को मदद करने का मन करे तो वो आ सकते हैं, नहीं तो मैं अकेला ही कुआं खोदूंगा कहा तो उसका पूरा परिवार आश्चर्य में पड़ गया। इतने में उसका बड़ा भैया, अकेले कुआं खोदोगे? कितना मुश्किल काम है जानते हो कहकर पूछा। मगर रघु अपने भाई से, पानी के लिए मैं चाहे जितना भी मेहनत हो करूंगा, मैं अकेला कुआं खोद कर दिखाऊंगा कहकर खेत के पास जाकर कुआं खोदने लगा। पहले दिन सिर्फ 10 फुट ही कुआं खोद पाया, अगले दिन और गहरा खुदाई किया। ऐसे रघु को कुआं खोदते हुए देखकर गांव वाले कुआं खोदना उतना आसान काम नहीं है, ऐसे खोदते गए तो पानी कब मिलेगा, ऐसे खोदते गए तो पानी नहीं मिट्टी तो मिलेगा यूं कहने लगे। मगर रवि उनकी बातों की परवाह करे बिना अपना काम करते ही जा रहा था। ऐसे थोड़े दिन रवि मेहनत करके कुआं खोदने लगा। बीच में आए बड़े बड़े पत्थरों को और मिट्टी को निकालते हुए और गहरा खड्डा खोदने लगा। ऐसे थोड़े दिन बिना रुके खोदते ही जा रहा था। थोड़े दिन खोदने के बाद मिट्टी को निकालते ही एकदम से उस कुएं में से धीरे से पानी की आवाज आई। रघु हैरान होकर आवाज आए और खोदने लगा। अगले ही मिनट वो कुआं पूरा पानी से भर गया। ये देखकर रघु आश्चर्य में पड़ गया। इतने में गांव वालों को ये बात पता चल के सब रघु के कुएं के पास आकर देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उनमें से एक, वाह पानी आ रहा है पानी आ रहा है कहा तो एक और, बाप रे बाप इतना सारा पानी कहा। एक भागते हुए रघु के पास जाकर, रघु तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मेहनत और विश्वास हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं कहकर तुमने साबित करके दिखाया कहा। ऐसे गांव वाले रघु की प्रशंसा करने लगे। रघु के खोदे हुए कुएं में से गांव वाले अपने जरूरतें पूरी करते हुए अपने खेत में फसल उगाते हुए गांव को हरा भरा किए। ये देखकर रघु बहुत खुश हुआ।